हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अनवांटेड सेवेंटी लेने के बाद पीरियड्स नहीं आने पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 तो ले लिया, अभी पीरियड्स नहीं आ रहा है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। अनवांटेड 72 लेने के बाद विथड्रॉल ब्लीडिंग भी नहीं आ रहा है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। अनवांटेड 72 लेने के बाद विथड्रॉल ब्लीडिंग तो हो गया तो इसका मतलब क्या अभी मैं प्रेग्नेंट कभी नहीं होंगी। और साथ ही साथ ये सवाल भी आपके मन में हमेशा रहता है कि अनवांटेड 72 लेने के बाद क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अनवांटेड 72 या फिर आई पिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है जिसको कि आप इमरजेंसी कंडीशन में लेना चाहिए। यानी कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रह रहे हैं या फिर आप दो दिन तीन दिन हो गया अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने को भूल गए हैं या फिर आप प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं कर सकते हैं और आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रह गए हैं तो इस केस में आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना चाहिए, लेकिन इसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। ये पिल अगर आप 6 महीने में एक बार यूज़ करते हैं या फिर 2 बार यूज़ करते हैं तो सही है, क्योंकि अगर आप एक बार भी ये पिल यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट 3 पीरियड्स आपका इरेगुलर हो सकता है। सो इसी अनवांटेड 72 या फिर आई पिल एक हार्मोन होता है जिसमें कि लिवोनॉर्गेस्ट्रोल नाम का एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। अगर आप इसे बार बार लेते हैं तो ये आपका हार्मोनल इंबैलेंस करता है और आपका पीरियड्स डिले हो सकता है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है, उसका आने का या फिर जाने का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए हमेशा ही आपके मन में एक टेंशन रहेगा कि कब पीरियड आएगा, पीरियड क्यों नहीं आया, अगर पीरियड नहीं आया तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ वगैरह। तो पहले हम जानते हैं कि अनवांटेड 72 या फिर आई पिल इसका काम करने का तरीका क्या है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अनवांटेड 72 या फिर आई पिल ये आपका ओवुलेशन को डिले करता है, यानी कि आपका जो एग निकलता है आपके ओवरी से उसको ये डिले कर देता है। तो वो अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हैं तो एग आपके शरीर में अवेलेबल ही नहीं होता है तो इसीलिए स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो आपका जो प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। लेकिन अगर आपका एक बार ओवुलेशन हो चुका है, यानी कि आपके शरीर में अभी अंडा है या फिर एग अवेलेबल है और आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहे हैं और साथ ही साथ ये अनवांटेड 72 या फिर आई पिल लिए हैं, तो ये जो अनवांटेड 72 है ये फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन प्रोसेस को रोकने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है, यानी कि ये एग और स्पर्म को मिलाने में सक्षम नहीं होता है। और अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसको भी ये रोकने को सक्षम नहीं है तो इसीलिए ये फेलियर होता है। दूसरा जो कंडीशन है ये क्यों फेल होता है, अगर आप कई दूसरा मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फिर एंटासिड ले रहे हैं तो ये जो हार्मोन है ये तो भी एक केमिकल है और वो सब दवा एंटीबायोटिक्स या फिर एंटासिड वो भी केमिकल होते हैं तो केमिकल रिएक्शन के वजह से उसका डोज होता है वो उसका रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है तो इसका भी फेलियर। तीसरा जो कंडीशन है कि अगर आप अनवांटेड 72 लेते हैं और 2 घंटे के अंदर आपका वोमिटिंग हो जाता है तो वोमिटिंग थ्रू के भी वो अनवांटेड 72 निकल आता है तो इस केस में भी वो काम नहीं करता है। सो अनवांटेड 72 अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के विद इन 24 आवर्स लेते हैं तो उसका सक्सेस रेट काफ़ी 95% है। अगर आप 24 से 48 आवर्स तक लेते हैं तो उसका सक्सेस रेट 80% तक आता है। और अगर आप 48 आवर्स से 72 आवर के अंदर लेते हैं तो उसका जो परसेंटेज रेट है वो 60% होता है। अगर आप 72 आवर्स के बाद लेते हैं तो लगभग ये काम ही नहीं करता है, यानी कि जो सक्सेस रेट है वो 40% भी कम होता है। अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद जितना जल्दी आप आई पी एल या फिर अनवांटेड 72 लेते हैं उतना ही जल्दी उसका सक्सेस रेट होता है। सो अभी हम बात करते हैं कि अनवांटेड 72 लेने के बाद ब्लीडिंग कब होता है, यानी कि विथड्रॉल ब्लीडिंग कब होता है। अनवांटेड 72 लेने के 7 से लेकर 10 दिन के अंदर ही आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग होना चाहिए। लगभग बहुत सारे महिलाओं में ये विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है। अगर ये विथड्रॉल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो प्रेगनेंसी का चांस लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन कुछ माइल्ड सा स्पॉटिंग होता है तो इस केस में थोड़ा सा चांसेस रहता है आपका प्रेग्नेंट होने का।
जिस दिन आपका विड्रॉल ब्लीडिंग हुआ, अगर उस दिन को आप डे वन काउंट करेंगे तो उसका 4 to 6 वीक में आपका नेक्स्ट पीरियड आना चाहिए। अगर उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आता है तो आपको एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर नेगेटिव आया तो आपने अपने डॉक्टर से पूछकर पीरियड लाने की दवा खा सकते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो आप दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ले सकते हैं। विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होता है तो अनवांटेड 72 लेने के लगभग 3 वीक के बाद आपका पीरियड आ जाना चाहिए। अगर 3 वीक के अंदर यानी कि 3 हफ्ते के अंदर आपका पीरियड्स नहीं आता है तो इसके बाद आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए तो शायद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपका पीरियड डिले हो रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो आपको नेक्स्ट प्रिकॉशन लेना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि अनवांटेड 72 लेने के बाद भी प्रेगनेंसी का चांसेस होता है। अनवांटेड 72 आपको बार बार नहीं लेना चाहिए। अनवांटेड 72 का बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस को पूरा बिगाड़ देता है। आप अगर 1 साल में या फिर 6 महीने में 1-2 बार लेते हैं तो सही है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हैं तो कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कीजिए, जैसे कि कॉन्डम हुआ या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर कुछ और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसको बार बार यूज़ मत कीजिए। इसको बार बार यूज़ करने से आपका हार्मोनल इतना ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा, पीरियड्स का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। हमेशा ही आप ये टेंशन में रहेंगे कब आपका पीरियड आएगा, कब आपका पीरियड आएगा, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। और एक जो सवाल होता है, बहुत सारे महिलाएं पूछते हैं कि हमने अनवांटेड 72 तो लिया था लेकिन वो फेल हो गया, अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो क्या अभी मैं अनवांटेड 72 या फिर IPL ले सकती हूँ? देखिए फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये एबॉर्शन पिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि बच्चा आपके यूटेरस की दीवार में चिपक गया तो इसको ये प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा अनवांटेड 72 के बारे में जानने में। तो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।